भूपेन सिंह हुड्डा के नाम पर मुहर लगी है और सिरसा से अशोक तंवर के नाम पर सहमति बनी है। हिसार से कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस दाव खेल सकती है। वहीं कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से श्रुति चौधरी कांग्रेस की दावेदार हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता जानकारी मिली है और आगामी दो से तीन दिनों के दरमियान कांग्रेस इन नामों का ऐलान भी कर सकती है। इन नामों पर सहमति बन चुकी है पार्टी के अंदर। और बड़ी खबर आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए, वहीं आपको बताएं कि लगातार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने परिवर्तन बस यात्रा की और इस दौरान कांग्रेस भी एकजुट नजर आई है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने भी ये सीधा इशारा किया है, इन नामों पर सहमति बनती दिखाई दी है पार्टी के अंदर। और वहीं सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने भी बातों ही बातों में इशारा किया है और ये साफ कर दिया है कि इन नामों पर पार्टी के बीच सहमति बन चुकी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए भी कांग्रेस को जल्द ही कोई फैसला लेना है, लेकिन इस पर अभी कोई जवाब विधानसभा स्पीकर को नहीं भेजा गया है कांग्रेस की ओर से। विनीत कपूर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, सूत्रों के हवाले से बहुत ही पुख्ता जानकारी है कि कांग्रेस की ये जो अहम सीटें हैं, इन अहम सीटों पर कांग्रेस अपने दिग्गजों के साथ दाव खेल रही है। बिल्कुल साक्षी, देखिए सीधे तौर पर कांग्रेस की मंशा है कि इस बार अपने दिग्गजों पर दाव खेला जाए ताकि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें अर्जित की जा सके, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का चुनाव रहा था उससे कांग्रेस जो है वो जरूर सबक ले रही है और कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों को उनकी कह सकते हैं कि जो उनका स्ट्रांगनेस है उसके आधार पर ही टिकट देने की मंशा रख रही है। और अगर हरियाणा की बात करें तो कुछ एक सीटों पर नाम जो है वो भी फाइनल हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले अगर अंबाला ऐसी सीट की बात करें तो कुमारी शैलजा का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी परिवर्तन यात्रा थी यमुनानगर के अंदर से जो गुजरी थी उसमें इस बात के संकेत भी देते नजर आ रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो करनाल की सीट है अभी उस सीट पर संशय जो है वो बरकरार है, इसी तरह से गुरुग्राम की सीट पर संशय बरकरार है, फरीदाबाद की जो सीट है वहां पर भी फिलहाल संशय बरकरार है। लेकिन अगर हम बाकी सीटों की बात करें, महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करें तो श्रुति चौधरी का नाम जो है वो स्पष्ट हो चुका है और खुद वो इस बात जी हो चुका है, उनको इस बार पार्टी चुनाव मैदान में उतार रही है। इसी तरह से सिरसा से अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। कुरुक्षेत्र से बात करें तो नवीन जिंदल को कांग्रेस जो है वो चुनाव मैदान में उतार रही है। और इसी तरह से अगर हम हिसार सीट की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के नाम पर मोहर लगती नजर आई है। कुलदीप बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के लिए इस सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। यानी सीधे तौर पर जो बड़े दिग्गज हैं उन दिग्गजों को कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में उतार रही है ताकि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी जा सके। जी जी बिल्कुल विनीत, अगर श्रुति चौधरी की भी हम बात करें तो किरण चौधरी पहले ही ये साफ कर चुकी हैं कि वे इस बार चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगी और उनके नाम पर भी लगभग मुहर लग चुकी है। लेकिन बस यात्रा के दौरान कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा थी उस दौरान भी कुलदीप बिश्नोई कहीं हमें अलग नजर आए थे, अलग थलग थे, लेकिन इसके बाद अब जब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस एकजुट नहीं है उस पर कहीं ना कहीं अब चीजें साफ होती हुई नजर आ रही है और पार्टी के अंदर जो सहमति बनी है वो इन नामों पर बन चुकी है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को इस बार लोकसभा के चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से यमुनानगर के अंदर जो परिवर्तन यात्रा गई, इंद्री में गई, या फिर अगर हम करनाल की बात करें या फिर कुरुक्षेत्र की बात करें, तो जब इन लोकसभा क्षेत्रों के अंदर परिवर्तन यात्रा जाती है तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जो है वो शामिल होते हैं, राहुल गांधी के साथ कुलदीप बिश्नोई नजर आते हैं। तो ऐसे में जो वो रार थी, जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर जरूर अंकुश लगा है। और जिस तरह से लगातार अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें वो अब सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़ते नजर आएंगे। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और अब आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि उनको हिसार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाए ताकि वो सीट कांग्रेस जो है अपनी झोली में डाल सके और दूसरे विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सके। बिल्कुल विनीत, उम्मीदवारों के नाम पर तो पार्टी में अंदरूनी सहमति बन चुकी है और अब जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का 2 से 3 दिनों के दरमियान ऐलान भी किया जा सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए अभी भी पार्टी के बीच अंदरूनी
अंदरूनी जो कश्मकश है वो बरकरार है, तो क्या लगता है कि आगामी समय में क्या जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए भी कोई एक नाम लेकर कांग्रेस सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए नेता विपक्ष की अगर बात करें तो जल्द ही इस नाम पर भी सहमति बनती नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से 3 से 4 नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा जा रहा था कि इस बार उनको जो है लीडर बनाया जाए, नेता विपक्ष बनाया जाए, ताकि वो जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर सके। इसी तरह से अगर हम कुलदीप शर्मा की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें या फिर किरण चौधरी की बात करें, ये 3 से 4 नाम हैं जो इस वक्त अग्रणीय सूची में चल रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान किसके नाम पर मोहर लगाती है, क्षेत्रीय नेतृत्व आपस में फैसला करके किस नाम को ज्यादा अहमियत देता है, ये देखने वाली बात होगी। और जल्द ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव से पहले ही इस पर भी मंथन करने के बाद कांग्रेस जो है वो सहमति बना के एक प्रस्ताव विधानसभा स्पीकर को भेज सकती है, ताकि उस नाम को नेता विपक्ष के तौर पर हरियाणा में चयनित किया जा सके। जी विनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की आपसी सहमति बन चुकी है और अपने दिग्गजों पर इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनावों में दांव खेल रही है और जल्द ही इन नामों का औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा।